हेलो, गुड इवनिंग गाइस। आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर वन, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है दो पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। नंबर वन, एलिमेंट्री कैनाल। नंबर टू, डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब एलिमेंट्री कैनाल में हम क्या क्या पढ़ते हैं? नंबर वन, माउथ कैविटी। टू, ओएसोफेगस। थ्री, स्टमक। फोर, स्मॉल इंटेस्टाइन। फाइव, लार्ज इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो 6 से 7 मीटर लंबी होती है। अब हम डाइजेस्टिव ग्लैंड में क्या क्या पढ़ते हैं? सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियासिस और ड्यूडेनम। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, माउथ। अब माउथ के जो बाहर होती है, माउथ में क्या होती है? बकल कैविटी। अब बकल कैविटी को हम क्या पढ़ते हैं? ओरल कैविटी भी पढ़ते हैं। अब माउथ के अंदर क्या क्या होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं, एक हम टीथ पढ़ते हैं और हम एक मस्कुलर टंग पढ़ते हैं। ओके, चलिए अब टीथ के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। टीथ, जो टीथ होते हैं हमारे दोनों जबड़ों पर तीन प्रकार के टीथ लगे हुए होते हैं। थिकोडोन, डाइफोडोन, हेटेरोडोन। अब थिकोडोन होते क्या है? एम्बेडेड इन सॉकेट जो ऑफ जो बोन। जो टीथ हमारे सॉकेट जो से एम्बेडेड होते हैं उनको थिकोडोन बोलते हैं। अब डाइफोडोन क्या होता है? इन मेजोरिटी ऑफ मैमल्स, मैमल्स में होते हैं। टू, सेट ऑफ टीथ, टेम्प्रेरी डिसीडियस, परमानेंट स्लैश एडल्ट। अब जो डाइफोडोन होते हैं, हमारे सबसे पहले दूध के दांत आते हैं, उसके बाद ही परमानेंट टीथ आते हैं ना, वो डाइफोडोंट में आते हैं। थर्ड, हेटेरोडोंट। हमारे जो दांत होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं ना, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अब एडल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? 2-1-2-3/2-1-2-3। एडल्ट में टीथ का फॉर्मूला है ये, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं नंबर बी, मस्कुलर टंग। अब ये क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है। अब जो हमारी टंग होती है वो कैसी होती है? फ्रीली मूवेबल होती है। अभी किससे अटैच होती है? अटैच टू द फ्लोर बाय फ्रीनुलम। किससे अटैच होती है? फ्रीनुलम से अटैच होती है। अब इसके ऊपर क्या होते हैं? टेस्ट बर्ड्स होते हैं। अब हम उनको क्या बोलते हैं? पेपिलाई बोलते हैं। जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पेपिलाई। अपर सरफेस हैव स्मॉल प्रोजेक्शन पेपिलाई, टेस्ट बर्ड्स सम। ओके, देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ टीथ मेड अप ऑफ इनेमल हेल्प्स इन मैस्टिकेशन ऑफ फूड। जो हमारे टीथ होते हैं वो किस चीज़ में हमारी हेल्प करते हैं? फूड को चबाने में हेल्प करते हैं। अब नंबर टू, अब हम पढ़ेंगे शॉर्ट फ्रेनिक्स। और शॉर्ट फ्रेनिक्स में सबसे पहले हम एयर पढ़ते हैं। एयर ट्रैकिया, ये क्या है? एक विंड पाइप है। देखिए आपको यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा होगा ना, ये क्या है? ये गोइटस है, ठीक है। अब इसके ऊपर एक और ढक्कन लगा है, ये क्या है? एपिगोइटस। अब एपिगोइटस होता क्या है? जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमारी मम्मी बोलती है ना कि खाना खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए। अब हमें बात क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि जब हम खाना खाते हैं, जब हम बात करते हैं, तो जो ये एपिगोइटस है, जो ये ढक्कन है ना, ये खुल जाता है। और जब अगर ये, इसको हम क्या बोलते हैं? कार्टिलेजिनस फ्लैप भी बोलते हैं। जब ये एपिगोइटस जब खुल जाते हैं तो प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ फूड ड्यूरिंग स्वेलिंग। तो हमारे जो भोजन के कुछ कण होते हैं वो हमारी इस ट्रैकिया में आ जाते हैं, जिससे हमें स्वेलिंग भी हो सकती है, ठीक है। इसलिए हमें खाना खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए। अब फूड ये ओएसोफेगस है। अब ये कैसी होती है? ये जो फूड पाइप होता है, जो ये हमारे नेक के पोस्टीरियर साइड होता है, पीछे थिन, बहुत ज़्यादा ही पतला होता है और लॉन्ग ट्यूब होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टमक की। हमारा जो स्टमक होता है वो अपर लेफ्ट पोर्शन में होता है, और ये किस शेप का होता है? जे शेप का होता है, ठीक है। अब इसकी एलिमेंट्री कैनाल भी होती है। इसमें 4 पार्ट्स आते हैं, कार्डिक, फंडिक, बॉडी और पाइलोरिक। जो पाइलोरिक पार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है, जो बॉडी है वो मेन सेंट्रल रीजन है। हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन को हम याद करने का हमारा तरीका है, हम याद कर सकते हैं इसको DJI, ठीक है। DJI, D मतलब ड्यूडेनम, J मतलब जेजुनम, I मतलब इलियम।
जो ड्यूडेनम है वो किस शेप का है, सी शेप का। अब मिडिल पार्ट होता है हमारा जेजुनम। जेजुनम कैसे होता है, लॉन्ग कॉइल। अब कॉइल का मतलब क्या होता है, हमने घरों में कछुआ छाप लगाया होगा, कछुआ छाप जो जिसको माचिस से चलाते हैं उसमें कॉइल होती है ना, वो पूरा घुमावदार होता है, वही होता है लॉन्ग कॉइल। अब ईलियम, ईलियम कैसा होता है, हाईली कॉइल होता है, इससे भी ज़्यादा डबल कॉइल होता है, उसको ईलियम बोलते हैं। ठीक है, जो ईलियम होता है उसको ईलियम नहीं कहते, जो ईलियम हाईली कॉइल होता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपना फोर्थ पार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, अब लार्ज इंटेस्टाइन में हम तीन चीज़ें पढ़ते हैं, केकम, कोलोन और रेक्टम। ठीक है, अब रेक्टम कहाँ खुलता है, हमेशा एनस में खुलता है। अब हम केकम की बात करते हैं, ये स्मॉल विंड सैक होता है, ये होस्ट होता है सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ये होस्ट होता है सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। वन वी फॉर्म अपेंडिक्स, इसमें वेस्टिजियल होता है, ठीक है कुछ। और ये किस शेप, मतलब किस टाइप का होता है, ये नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रॉपर्टी होती है। अब हम बात करते हैं कोलोन, कोलोन में फोर पार्ट्स आते हैं, असेंडिंग, फिर ट्रांसवर, उसके बाद डिसेंडिंग, उसके बाद सिग्मोइड। देखिए, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और उसके बाद आता है कुछ ये इस टाइप का सिग्मोइड। ठीक है, अब आपको बता दिया है रेक्टम कहाँ खुलते हैं, एनस में। चलिए अब मैं आपको इसका डायग्राम दिखा देती हूँ। देखिए ये क्या है, ओरल कैविटी है और ये माउथ है और ये जो है ये ओसोफेगस है, ये फ्रेनिक्स है। ठीक है, और देखिए ये लीवर है, ये गॉल ब्लैडर है, ये है ड्यूडेनम। ठीक है, अब मैंने बात की थी कोलोन की भी बात की थी ना, देखिए असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और ये इस टाइप का ये सिग्मोइड। ठीक है, और ये क्या है, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लॉन्ग इंटेस्टाइन है और ये तो एनएस है। और ये देखिए मैंने वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की बात की थी, ये होता है, ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है।